हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। हमने लास्ट क्लास में ग्रुप थ्योरी किया था, आज थोड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिकॉल व्हाट ऑल वी हैड डन। यस स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा तो रिकॉल कराना ही पड़ेगा आप लोगों को। हाँ जी, जी इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, ये सेट है ध्यान रखना, और ये ऑपरेशन है। ग्रुप होने के लिए सेट और ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। ये ग्रुप कब बनेगा? आपके पास चार नेसेसिटीज हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो उसमें नहीं जा रहे हैं हम डिटेल में, लेकिन एडिटिव ग्रुप में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में क्या होता है, हर बिगनर को ये पता होना चाहिए। देखिए भाई, ग्रुप थ्योरी मे बी न्यू टू ऑल ऑफ यू। जैसे ट्वेल्थ क्लास में, ट्वेल्थ लेवल में आपके आपके पास इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन, अगर आप इंटीग्रेशन की पहली क्लास ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट? कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही ग्रुप थ्योरी का पहला क्लास, जो फर्स्ट क्लास है, वो जितनी बार भी आप देख सकें देखें, क्योंकि आप नए हैं। ओके, एडिटिव ग्रुप में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ इनवर्स, दैट यू शुड नो। नेक्स्ट थिंग, अब आगे देखिए, अभी आज क्या क्या करेंगे आप, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने जा रहा हूँ, या प्रूव कराने जा रहे हैं। जी स्टार, अगर ये एक ग्रुप है तो क्लोजर तो पक्का होगा ही होगा। उधर ज़रा नोटिस करिएगा, बिकॉज आपके पास लॉजिक भी होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी, ए और बी का क्लोजर, पहले तीन का क्लोजर। हाँ हाँ शांति रखो, देखते जाओ बस। नेक्स्ट नेक्स्ट, देखिए बच्चे हिम्मत करके आंसर दे भी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्पेस कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा परेशानी वाला भी है। ये दिस इज नॉट इजी टू हैंडल। एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो आपकी परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो उन्होंने बोला भाई, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए काम करते हैं क्या, तो ये है कि फॉर द टाइमिंग, अगर आपने स्टार अपने दिमाग में रखा है कि जी स्टार एक ग्रुप है, तो ए स्टार बी की जगह आप सिंपली ए बी लिखिए। दिस इज नॉट प्रोडक्ट, बस हम कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए लिख रहे हैं, जिससे बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। तो अभी के बाद जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, प्लीज़ याद रखिएगा, फॉर कन्वीनियंस ए बी इज रिप्लेस्ड बाय, मैं फिर रिपीट कर दूं, इसका दैट डज नॉट मीन कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, बिल्कुल भी नहीं। तो अब के बाद ऑल ऑफ यू आप ये इतने से काम चला सकते हैं। जी स्टार के बजाय जी इज अ ग्रुप बोलिए, स्टार है काम करेगा। दिस इज इफ ओनली क्लोजर इज देयर, व्हाट इज क्लोजर, वॉट विल बी क्लोजर, नया फ्रेश क्लोजर, ए बी जी में, तो दिस इम्प्लाइज ए बी। प्लीज ध्यान रखना इसका, ऐसे एसोसिएटिव लॉ क्या होगा आपका, ए बी सी अलॉन्ग विद ए बी सी। लेकिन यू शुड बी कॉन्शियस इनफ, यू शुड बी अवेयर इनफ कि कब लिखना है। जी, ए ई ई ए ए फॉर ऑल है, एंड इनवर्स में क्या था, इक्वल टू ई। तो ये जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा, रिजल्ट्स प्रूव करते वक्त या यूं कहिए थ्योरी करते वक्त, आप यही ध्यान में रखेंगे, ए स्टार बी या ए बी सेम है, मतलब ए बी लिख दिया गया है तो ए स्टार भी लिख रहे हैं, मान लीजिए। हाँ जी जाओ। हाँ हाँ दिक्कत होगी तो क्लास ही बंद कर देंगे। व्हाट इज एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्टार वाई स्क्वायर, वेट वेट वेट, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, वाई स्क्वायर का मतलब वाई विद वाई, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, इसका गड़बड़ मत कर देना, आया समझ में सबको, तो दिस शुड बी क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय ए बी इनवर्स, दिस इज ए स्टार अलॉन्ग विद बी इनवर्स, एडिटिव में अलग होगा, मल्टीप्लीकेटिव में अलग होगा, बट टाइम बाय टाइम प्लीज, इन नोटेशन सबको समझ में आ गई, ये आपका मल्टीप्लीकेशन नहीं है भाई, आगे भी बोलूंगा, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस जस्ट अ नोटेशन। ओके, विद दिस नोटेशन इन आवर माइंड हम पहला रिजल्ट करने जा रहे हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ,
सेकेंड है आपका राइट कैंसिलेशन, थोड़ा सा बड़े हो जाइए आप सब लोग। व्हाट इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ? इट सेज लेफ्ट में जो एलिमेंट है ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाइज बी बी इक्वल, ये स्टेटमेंट है। राइट में क्या होगा? वो कैसे रहेगा फटाफट से? हाथ नहीं, आपको हाथ नहीं चलाना है, आप ध्यान लगाइए, कॉन्सेंट्रेशन इधर होना चाहिए। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। हाँ जी, सपोज ए बी इक्वल टू ए सी, देयर फॉर प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, आप सब समझ गए, आपसे ज़्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। दिस इम्प्लाइज, हाँ जी, ए इनवर्स ए अलॉन्ग विद बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए अलॉन्ग विद सी। वट इज ए इनवर्स ए आइडेंटिटी? सो ए बी इक्वल टू ए सी, दैट मीन्स बी इक्वल टू सी। प्लीज़ वेट फॉर सेकेंड, ये तो अच्छा सा प्रूफ लिख दिया, कुछ कारण भी देने होते हैं भैया, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई प्रोफेशनल नहीं है कि बस लिख दिया आपने कॉपी कर लिया। यहाँ से यहाँ लिखना है प्री मल्टीप्लाइंग, इसके बाद यहाँ से एसोसिएटिव लॉ, विच लॉ? एसोसिएटिव, देन तो कुछ है नहीं। अब जरा इधर आ जाओ, पहले इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, प्रूफ तो आपके दिमाग में छप ही गया होगा। क्लियरली बी ए इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज, यहाँ प्री करेंगे या पोस्ट करेंगे? पोस्ट। यू शुड राइट द राइट रीजन एट द राइट प्लेस, ओके, अपना लिख लीजिएगा। तो बी ए इनवर्स इक्वल टू सी ए ए इनवर्स, दिस इम्प्लाइज बी अलॉन्ग विद ई इक्वल टू सी अलॉन्ग विद ई, विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। प्लीज वेट फॉर अ सेकंड, दोनों स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हो गई? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हैं? यस सर, यस सर। बट यू शुड नो कि कुछ कुछ भी हो गया, एटलीस्ट मैं कुछ ऐसे तो छोड़ नहीं दूंगा, तो ज़रा ध्यान से देखो क्या चीज़ है, ये आपके अंदर बैठ जाना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे हम सबके पास मोबाइल है, प्री पेड पोस्ट पेड होता है, तो प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, तो ऐसे ही प्री मल्टीप्लीकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, दैट्स द आइडिया। नंबर टू, कैंसिलेशन लॉ यूज़ करते वक्त बहुत ध्यान में रखेंगे आप एक चीज़, क्या देखिए आपके पास ये ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, ये लेफ्ट वाला एलिमेंट ए था और कैंसिल हो गया, बी ए इक्वल टू सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, यहाँ राइट वाला एलिमेंट है कैंसिल हो गया। अब हर बार ए बी सी तो आएगा नहीं एग्जाम में, एक्स वाई इज इक्वल एक्स जेड इम्प्लाइज, टेल मी विच लॉ, विच कैंसिलेशन लॉ? लेफ्ट। अच्छा मान लो ऐसा होता तभी भी आप p इक्वल टू क्यू लिखते हैं, ये भी लेफ्ट ही है भाई, देखो सोच समझ के आंसर देना, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो चीजें भी आपको समझ जाएंगी कि ये क्या क्राइम कर दिया हमने। यस, केयरफुल केयरफुल, देखिए आप वन बाय वन कर सकते हैं, पहले एक्स इनवर्स का यूज़ किया तो एक्स हटेगा, फिर उसके बाद वाई इनवर्स का यूज़ करेंगे तो वाई हटेगा, फाइनली आपको जेड इक्वल टू पी मिलेगा, या आप एक्स वाई के पूरे इनवर्स का यूज़ कर लीजिए, तो एक्स वाई भी तो एक एलिमेंट है, अगर आप प्री मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के होल इनवर्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, यस सर, दिस इम्प्लाइज पी इक्वल टू क्यू, तो चलिए लेफ्ट कैंसिलेशन आपको यूज़ करना आगे। अच्छा अब बताइए अब क्या मिलेगा? बस यही यही चीज अपने अंदर लेके आनी है आप लोग, यही चीज आपको अपने अंदर लेके आनी है। मैं बार बार कहता ना उपन्यास की तरह नहीं पढ़ना है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ ना तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगेगा ना राइट कैंसिलेशन लॉ लगेगा, खाली एलिमेंट बीच वाला सेम लग रहा है, तो ये थोड़ा ना कि समझ रहे हैं, लेफ्ट में क्या कैंसिल करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट में क्या कैंसिल, कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर, ए को कैंसिल, अरे मिड कैंसिलेशन लॉ कुछ नहीं होता भैया, हाँ ध्यान रखिएगा इसका, देयर इज नथिंग लाइक मिड कैंसिलेशन लॉ। अच्छा अब क्या मिलेगा? अब राइट हो जाता,
थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ भैया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ चले गए यार आप लोग? ए बी कैंसिल, यू नो ए बी का इनवर्स, आप सबको बात समझ में आ गई? हाँ ध्यान रखना। यस, लेफ्ट लेफ्ट से ए कैंसिल होगा, राइट से, अरे देखो पहले क्या लिखा है, ऐसे एकदम से नहीं आंसर दे दीजिए कि गलत है सही। सबको क्लियर हो गया क्या, स्टेप्स समझ में आ गए ना कि कैसे करना है? यू शुड बी, चलिए पेन चलाइए ऑल ऑफ यू। यस, तो यू शुड रिस्पेक्ट कैंसिलेशन लॉस, लेफ्ट है या राइट है और कैसे कैसे होते हैं, क्लिक क्लोज। ये स्टेटमेंट है, आज के बाद LCL या RCL लिखा जाएगा और बोला जाएगा। LCL यानी लेफ्ट कैंसिलेशन, RCL राइट कैंसिलेशन। ओके, हाँ क्लास के बाद आप लोगों को वीडियो तो मिल ही जाएगा, कोई ऐसे इशू नहीं। एक लिख लिया, अब ये वाले रीजन यहाँ लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, तरीका तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट, अभी हमने एक रिजल्ट किया, रिजल्ट नंबर टू। एवरीवन आईज ऑन द बोर्ड, आर टू मीन्स रिजल्ट टू। जी स्टार या सिंपली जी, जी ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अब कितनी आइडेंटिटीज है? वेल दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। अ ग्रुप कैन हैव एट मोस्ट वन, बल्कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। इन अ ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। स्टेटमेंट शो दैट इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप जी द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, यूनिकनेस कैसे प्रूव करेंगे? लेट E1 एंड E2 बी बोथ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, वी विल बी शोइंग E1 इक्वल टू E2, दैट्स द लॉजिक, यही होना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए, बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से और मार्वेलस सॉल्यूशन। लेट E1 एंड E2 वी बोथ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, भाई यहाँ IDT का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, रेस्पेक्टिवली दोनों का मीनिंग लिखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग E1 इज आइडेंटिटी? शुड आई से, कैन आई से E1 ए इज ए, E1 इज ए फॉर ऑल ए? अरे बोलते क्यों नहीं, ऐसे E2 के लिए भी आ जाएगा, E2 ए, E2 इज ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। प्लीज वेट फॉर अ सेकंड, हां जी ऑल ऑफ यू, शुरुआत चाहे कहीं से भी की हो आपने, शुरुआत यहाँ से की हो, यहाँ जहाँ से भी की हो, पहुँचे तो एक ही जगह, यानी कि सब कुछ बराबर बराबर है ना, एक है। सो देयरफॉर कैन आई से द फॉलोइंग, E1 ए इक्वल टू E2 ए फॉर ऑल ए? बोलो भाई बोलो, डेफिनेटली लगाओ कैंसिलेशन लॉ, विच कैंसिलेशन लॉ? थैंक यू, सबको क्लियर हो गया? क्या पता लगा, आइडेंटिटी यूनिक। So beautiful combination of cancellation. Please write it down all. RCL लिखा है, mention कर दीजिएगा RCL क्या होता है। जरूरी नहीं आप AB symbol के साथ mention करें, आप XY symbol के साथ भी mention कर सकते हैं, right cancellation। ये तो लिख लो, कोई बात नहीं, आराम से लिख लो।
ओके लॉजिकल प्रूफ वाज प्रेटी लॉजिकल. रिजल्ट नंबर थ्री. यस स्टूडेंट्स, ए के लिए ए इनवर्स लिखा है, जरा सामने देखिए एवरीवन. मान लीजिए ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो अब तुरंत बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन इनका आइडेंटिटी आ गया. ठीक है जी, अब मैं ए इनवर्स को ए इनवर्स नहीं लिख रहा, मैं ए इनवर्स की जगह बी लिख रहा हूँ, मतलब ए एंड बी आर इनवर्सेस. सो दैट सिंपली मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए शुड बी आइडेंटिटी, एम आई राइट? लाइकवाइज अगर मैंने लिख दिया ए एन सी आर इनवर्सेस, मीनिंग शुड बी क्लियर, सिंबल तो कुछ भी हो सकता है. इधर आइए, जरा ध्यान से देखिए क्या करने जा रहा हूँ. In a group, the inverse of an element ये तो अच्छी बात है भाई. क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात है कि अगर कोई एलिमेंट आपने लिखा है तो उसके दो इनवर्स नहीं हो सकते. तो कैसे करेंगे? मान लीजिए दो हैं, सपोज ए वन एंड ए टू आर टू इनवर्सेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग ए वन इज इनवर्स ऑफ ए? A1 is identity. What is the meaning of saying A2 is inverse of A? A2 is identity. Accordingly, आपका काम हो जाएगा. करा देते. देखिए, solution. Let A belongs to B and both A1 and A2 are its inverse. Yeah, inverses. What do you mean by this? One by one. A n2 भूल जाओ, n2 नहीं बोलना है, n2 नहीं है ये, दिस इज A*A1. फाइनल आंसर दोनों का ई है, यानी जो कुछ भी आपने पहले लिखा था सब बकवास, सब बराबर हो गया. दैट इज सब बराबर हो गया. तो देखिए A*A1 = A*A2, कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. करे करे ये इतना लॉजिकल है कि बिना देखे भी कर सकते हैं. Done. Result number 4. Yes, students, देखिए बेटा, जी स्टार नहीं लिख रहे हैं. दिस इज ए, दिस इज बी. प्लीज बी विद मी. ए के लिए ए इनवर्स है, बी के लिए बी इनवर्स है, बिल्कुल है. अब ए बी का क्लोजर तो ए बी है, जब सबका इनवर्स होता है तो इसका भी इनवर्स होना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ए बी होल इनवर्स? ए बी होल इनवर्स, नेचुरल चॉइस, नेचुरल आंसर शुड बी ए इनवर्स बी इनवर्स. दैट इज नॉट करेक्ट. सो ए बी होल इनवर्स है, इसका ऑर्डर पलट. अब जरा ध्यान से सुनने लग तो जाएगा. अब इसका प्रूफ करना है अभी आपको, बिकॉज यू आर बिगिनर्स. अब इसको कैसे करना है आप लोगों को, या आपको याद कैसे रहेगा? प्रूफ तो करा देंगे, ये स्टेटमेंट याद कैसे रहेगी? देखिए आजकल सर्दियां पड़ रही हैं, मेरी शक्ल देखिए. यस, ठंड पड़ रही है, तो जो भी स्टूडेंट घर से बाहर निकल रहा है, इवन घर में भी हम शूज़ और सॉक्स तो पहन के रखते ही हैं. हाँ जी, सही सुना आपने, शूज़ एंड सॉक्स. पहले सॉक्स देन शूज़. और जब निकालते हैं या उतारते हैं तो क्या करते हैं? आपको ऑर्डर समझ में आ गया? इस प्रॉपर्टी का नाम है शूज़ एंड सॉक्स प्रॉपर्टी. व्हाट इज़ द नेम? शूज. ऐसे याद रखिए किस ऑर्डर में आता है और किस ऑर्डर में जाता है. सो ए बी होल इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स.
ये स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ में थोड़ी सी परेशानी होने वाली है आपको। देखिए जी, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, कुछ देर पहले की बात है। मान लीजिए एक्स का और वाई का आपस में कुछ इस तरीके का काम है कि ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं। एक्स इज इन्वर्स ऑफ वाई, वाई इज इन्वर्स ऑफ एक्स, या एक्स एंड वाई आर इन्वर्सेस, वन एंड द सेम थिंग। फाइनल फाइनली इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स शुड बी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जरा इधर देखना क्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू, आपको ये शो करना है। दैट इज ये किसका? ए बी का इनवर्स। आपको ये शो करना है। वही देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? सही तो लिखा है यार एकदम। अगर आपको ये शो करना होता टू शो एक्स इनवर्स इज वाई, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ एक्स। क्या है? तो वही चीज़ें यहाँ लिख दी। अब ये और ये आपस में इनवर्स कब होंगे भाई? दिस अलॉन्ग विद दिस शुड बी आइडेंटिटी, एंड दिस अलॉन्ग विद दिस शुड बी। एम आई राइट? हो गया प्रूफ खत्म, अभी करा देते हैं। देखिए बहुत आराम से हो जाएगा, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, वेरी लॉजिकल। बट लॉजिक पकड़िए, कंसिडर ए बी अलॉन्ग विद अली, इतने से नहीं होगा, दूसरा भी करना पड़ेगा। कंसिडर बी इनवर्स ए इनवर्स अलॉन्ग विद ए बी। हाँ जी, आओ जरा हमारे साथ एसोसिएटिव लॉ तो लगाओ। ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इज सेम एज ए ई ए इनवर्स, विच इज सेम एज ए इनवर्स। यहाँ तो ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं थी। व्हाट इज ए इनवर्स? ऐसे ये भी आ जाएगा कम से कम? हाँ तो बोला जा सकता है। यस सर। यस, एसोसिएटिव लॉ, बाकी तो कुछ नहीं। अभी क्या प्रूव? अभी लिख लीजिएगा पूरा। तो क्या प्रूव किया आपने? इनवर्स ऑफ, हाँ, शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ यू, शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। शूज एंड सॉक्स, सॉक्स एंड शूज, वट एवर। ये शूज एंड सॉक्स नाम ही ठीक है, या टाई एंड कोट ठीक रहेगा? टाई एंड कोट का तो ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, तो कुछ नहीं होता। शूज एंड सॉक्स ठीक रहेगा, वो सबसे सही है। अब तक ऐसा शू नहीं बना जो सॉक्स के पहले पहना जा रहे। चलिए रेडी फॉर नेक्स्ट? नहीं, वो कुछ लोग बाद में भी पहनते हैं, कोट के बाद भी पहन सकते हैं, कोट के पहले भी पहन लें, कुछ नहीं पता। ये अभी भी फिर भी ठीक है। अरे भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या होंगे, डर गए क्या? बोलते का ही नहीं। जैसे आस्था, हर्षिता, सक्षम। यस ओके, नेक्स्ट थिंग। अगला इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अबेलियन ग्रुप्स का। देखिए पहले, नहीं कुछ भूमिका बांधनी पड़ेगी, ऐसे अगेन नॉवल की तरह पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी चीज है, जब ओके, लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। देखिए अबेलियन बोली है या कम्यूटेटिव बोली? कम्यूटेटिव बना है कम्यूट से, ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, या आप सोच सकते हैं कई किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ वापस आए। सो दिस इज ए, दिस इज बी, फर्स्ट यू गो ए टू बी, देन बी टू, ये कम्यूट यहीं से बना है। अगर ए बी बी ए के बराबर है तभी माना जाएगा कम्यूट। द ग्रुप जी स्टार इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इक्वल्स बी स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और अगर आपके दिमाग में स्टार स्पेसिफाई है पहले से ही है, तो आप सिंपली ये भी लिख सकते, सॉरी
स्टूडेंट्स उसको देख लीजिए पहले कि क्या लिखा गया। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, जब हम 12th क्लास में थे आप और हम, डिफरेंट टाइम्स पे, जाहिर सी बात है भाई। ए कोई मैट्रिक्स लीजिए, बी कोई मैट्रिक्स लीजिए, सभी बच्चों को 12th क्लास में ही दिमाग में डाल दिया गया था कि भाई ए प्लस बी तो बी प्लस ए के बराबर होता है हमेशा, बट ए बी नीड नॉट बी इक्वल टू बी ए। एम आई राइट? व्हाट मोर यू वांट? नहीं, मैं आपको सिर्फ मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा हमेशा नहीं होता। ध्यान दो भाई, ये अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको कि क्या बोलने की, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। आपने दो एलिमेंट्स लिए, अभी ए बी का क्लोजर, रिवर्स क्लोजर। रिवर्स क्लोजर नहीं लिखेंगे, हाँ आपका तो राज चल रहा है, आप क्यों लिखेंगे? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। वेल, मैट्रिसेस का सेट भी ले सकते हैं आप, कोई बात नहीं। ए प्लस बी बी प्लस ए, ए डॉट बी बी डॉट ए। देखिए भाई, उल्टे सीधे आंसर्स तो दीजिएगा नहीं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने है, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए बी की जगह सेट ऑफ मैट्रिसेस ही लेके बैठ गया, सपोज ले सकते हैं सेट ऑफ, ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस ले लिया आपने, तो यू नो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ए प्लस बी तो मैट्रिसेस में ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर हो जाएगा, लेकिन ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर इन जनरल तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो आप बताइए, जब यहाँ से शंका खड़ी हो गई है तो क्या ये दिस इज इट ऑलवेज ट्रू? ऑब्वियसली नीड नॉट बी ट्रू। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंस है अबेलियन ग्रुप। दिस इज वैलिड ओनली फॉर अबेलियन ग्रुप्स। अच्छा, जब इतना आपको दिमाग में समझ में आ गया, ज़रा पहला क्लास याद करिए, यहाँ का, कॉलेज का, कहीं का भी ग्रुप का सेकेंड एग्जाम क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। आपको स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आप राइटिंग पोजीशन में चेंज नहीं कर रहे हैं, खाली ब्रेसेस को कंबाइन कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन इज, राइटिंग पोजीशन में चेंज करके अगर आपने ए बी सी को ए सी बी लिख दिया तो क्या होगा? ये होगा, ये तो होता ही नहीं है। समझ में आया? इसीलिए एसोसिएटिव लॉ में राइटिंग पोजीशन चेंज नहीं करते। इन एसोसिएटिव लॉ वी राइट ए बी सी एज ए बी सी, वी डोंट राइट ए बी सी एज ए सी बी। ऐसे तो नहीं लिखते हैं, ऐसे कब, ऐसे लिख ही नहीं सकते आप, क्राइम है भाई। मॉडर्न अलजेब्रा में ये सब लिखना क्राइम है। हेलो, डेफिनेशन सबको समझ में आ गया? ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे पास प्रैक्टिकली जहाँ ये चीज़ ट्रू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस, ग्रुप ऑफ फंक्शंस। हाँ, फंक्शंस, फंक्शन से याद आया, 12th क्लास याद कीजिए, सबने ये पढ़ा हुआ है? नहीं भी पढ़ा तो हाँ तो बोल दो यार, पढ़ा है? Yes, sir. What is g of x? In general, they are not equal. Am I right? Am I right? मान लीजिए ग्रुप ऑफ फंक्शन है, ग्रुप ऑफ फंक्शन है, आपने कॉम्पोजिशन लिया। देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल गए आपको, ये एफ है, ये जी है। 12th क्लास में बता दिया गया था कि भाई एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर होना ज़रूरी नहीं है, नहीं है ना? तो दुनिया भर के नॉन अबेलियन ग्रुप्स हमारे पास हैं हमारे पास। तो प्लीज़ अपने दिमाग में ये ना डालें कि ये तो ऐसे मुफ्त में, नथिंग कम्स फॉर फ्री। प्लीज़ ध्यान रखना। स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया? तो लिखो फिर। अब आएंगे खूबसूरत रिजल्ट्स, जो जिसमें से कम एक रिजल्ट आपके एग्जाम में आएगा ही है। अब बस कमर कस के तैयार हो जाओ। Yes. भाई वो जो डेफिनेशन लिखा वो तो लिखा ही, इसका क्या मीनिंग होता है? दिस सिंपली मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए। तो इसी को क्या लिख सकते हैं? एक ही बात है, हाँ तो लिख लीजिए एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दी कम्यूट। एग्जाम में तो हमें क्या पता क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है।
नेक्स्ट यस आप बताओ अभिलन ग्रुप डिफाइन करो एक ही डेफिनेशन था जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी अगर आप जी स्टार ले रहे हैं तो ए स्टार बी इज बी स्टार है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है अबिलियन या कॉम्पिटिटिव क्या होता है यस सर सेम सेम तो होता ही है डेफिनेशन तो एक ही है देखिए सर रिजल्ट नंबर वन या प्रॉब्लम नंबर वन भाई चार से पांच प्रॉब्लम्स हैं अबिलियन ग्रुप्स की और एक प्रॉब्लम इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो वन बाय वन सारा देखते हैं प्रॉब्लम नंबर वन बार बार ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि जी इज ग्रुप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वो लिख के देंगे सपोज जी बी ए ग्रुप है इन दिस थिंग में यहाँ ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं ना ये कुछ और पढ़ रहे हैं तो जी लिख दिया तो ग्रुप है वो मैं मेंशन नहीं करूँगा बार बार इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी चार से पांच बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स हैं तो वन बाय वन वी शैल बी डूइंग ऑल चलिए प्रूफ कीजिए पहले ट्राई कीजिए फिर देन आई विल टेल यू कैसे होगा आपको सिर्फ ट्राई करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ लॉजिक के साथ जिस तरह आपको प्रूफ्स लिख लिख के बताए जा रहे हैं लॉजिक वही आपको लगाना है Just try for 1 minute, 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds. Just try. Simply try. क्या करना है क्या गिवन है जो शो करना होता है वो गिवन का यूज करके ही होता है चलिए कोई बात नहीं आना होता तो आ जाता चिंता नहीं करो देखो एवरी वन सभी बच्चे देखेंगे ठीक है स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है भैया सामने देखो एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स देखिए एग्जिस्टेंस नहीं बता रहा है इक्वालिटी बता रहा है ये नहीं बोल रहा है कि अगर आपने एक्स लिया तो एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वाई लिया तो वाई इनवर्स अरे एग्जिस्ट तो करेगा ही ग्रुप है वो इक्वल होगा ये कह रहा है इज दैट ओके देखो देखो स्टेटमेंट पढ़ो एवरी एलिमेंट किसके बराबर है वो पहले ये तो समझ लीजिए क्या गिवन है तब तो जाके प्रूव करेंगे सामने देखेंगे भैया हिस्टोरिक 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 रिजल्ट बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के छोटा सा प्रूफ है बहुत छोटा सा एक मिनट देख लो लेके सॉल्यूशन गोज लाइक ये 10 बार आपका सिलेबस चेंज हुआ है मैथ ऑनर्स का ये नहीं हिला लेकिन ये ना हटा है ना हिला है मजबूती से खड़ा है आइए सॉल्यूशन क्या गिवन है आइडिया फॉर 1x या फॉर ऑल एक्स बोलोगे या नहीं बोलोगे हाँ जी ओके ये दिस इज गिवन समय आने पे जैसे ही आपके पास एलिमेंट्स आएंगे आप इसका यूज़ कर सकते हैं राइट नाउ देखे जरा शो क्या करना है ओहो हमें तो अबिलियन शो करना है अब इससे अबिलियन कैसे आएगा अगर आपको अबिलियन शो भी करना है तो इन ऑर्डर टू शो अबिलियन वी हैव टू शो ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग है तो ए बी के लिए अप्लाई करो ना इसको ना ऐसे नहीं भाई ऐसे ना ऐसे दिल छोटा ना करें तो देयरफॉर इन पर्टिकुलर जब ये स्टेटमेंट सबके लिए ट्रू है तो x को x की जगह ए बी लिख के देखते हैं क्या होगा ए बी इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी किसी को परेशानी तो नहीं है स्टेटमेंट में भाई वो जब सबके लिए ट्रू है तो इनके लिए भी ट्रू होगा अच्छा जरा बताइए व्हाट इज ए बी का होल इनवर्स अभी भी तो बताया इनवर्स ए इनवर्स आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वापस आ जाओ ए इनवर्स ओ सॉरी बी इनवर्स इंडिविजुअली ए इनवर्स इंडिविजुअली थैंक यू प्रूफ खत्म हो गया लेकिन आपका सपना खत्म नहीं हुआ
यू जी हो गया ना, ए बी इक्वल टू बी है, सो दैट इज जी इज द मीनिंग। चलिए चलिए जागी सपने से, कॉपी करी हिस्टोरिक रिजल्ट स्टेटमेंट याद कर लेना। ऐसा कंडीशन बताइए जिसके अंडर या जिसको अप्लाई करने पे एक ग्रुप अभिलीन हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स खुद के इनवर्स हैं, खुद के इनवर्स, x इज x इनवर्स, y इज y इनवर्स, z इज z इनवर्स, a इज a इनवर्स, b इज b इनवर्स, तो अभिलीन हो जाएगा। कैसे? ऐसे, राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। ये क्या लिखा है? इन पर्टिकुलर देखिए, ये ऐसी चीज़ है जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई ग्रुप, तो उसमें मतलब धीरे धीरे आराम से ही चलना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो फिर भी ठीक था, पॉलीनोमियल्स भी ठीक है, हो जाएगा, बट ये इसको ग्रैब करने में टाइम लगेगा। एक बार आपने ग्रुप थ्योरी ठीक से पढ़ लिया तो आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से फ्लरिश हो सकता है, आपका ब्लॉजम कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में। आई एम टॉकिंग मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स। डन? यस सर। यस ऑनलाइन चैंपियंस, आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। यस सर। यस सर डन। ओके नेक्स्ट रिजल्ट, अभी वाला स्टेटमेंट पढ़िए जरा आप सपनों, याद कर लीजिए। इन अ सेंस कह रहा हूँ, याद करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपको? ऐसा कंडीशन बताइए। ओके सबसे पहले किसी भी ग्रुप में क्या ए बी बी हमेशा बराबर होंगे? ए स्टार बी बी स्टार हमेशा नहीं, इन जनरल बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी नहीं। तो पहला रिजल्ट आपको बताता है कि कब हो सकता है, कब होगा नहीं, कब हो सकता है, अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स खुद के इनवर्स के बराबर हैं। सेंस क्लियर है आप लोगों को? स्टेटमेंट क्लियर है? एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस नहीं कह रहे हैं, वो इक्वालिटी कह रहे हैं। एक्स इज एक्स इनवर्स, वाई इज वाई इनवर्स, जेड इज जेड, अगर ऐसा है तो ग्रुप अभिलीन हो जाएगा, हमने प्रूफ दे दिया। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर टू, कीजिए ट्राई कीजिए कोई बात, अल्टीमेटली तो कराना ही। देखो भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या बड़ी बात है। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ओके अब तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है। नहीं मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई किया, क्या चीज से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से। तो ये वाला साइड क्या बन जाएगा, ए, वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। धन्यवाद, प्लीज 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 थोड़ा अच्छे से देखो लास्ट लाइन को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट लाइन। ओहो हर एलिमेंट खुद का इनवर्स बन गया, तो दिस इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स, बोलिए बोलिए, अभी याद करने के लिए बोला था ना, उपन्यास पढ़ने की आदत गई नहीं आप लोग, बोलो जरा यहाँ से क्या मिलेगा। जी सबिलियन, हाँ जी क्लियर हो गया, अब सुनिए, हाँ आप सब सुनिए। मान लीजिए ये रिजल्ट आता है एग्जाम में, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कॉपी करने के चक्कर में चैंपियन ना बने। सपोज दिस रिजल्ट कम्स फॉर 2 marks और 3 marks, तो यहाँ प्रीवियस रिजल्ट मेंशन करने से काम चल जाएगा। बट सपोज दिस रिजल्ट कम्स फॉर 5 marks और 6 marks, समझ गए ना क्या कह रहे हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कैसे करते हैं, अगर आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा है लेमा,
लेमा ना बोलो, यहाँ लिख दीजिए बाय द रिजल्ट यूजिंग बाय द रिजल्ट ए विच इज प्रूव्ड एट द एंड। पहले ये प्रूव कर दिया फिर रिजल्ट ए बना के दूसरा कर दिया। तरीका होता है प्रेजेंटेशन का, खाना बनता है घर में तो कैसे कैसे आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, ऐसे थोड़े ना थ्रो कर देंगे लो भाई खुद ही निकालो खुद ही खाओ। सेम ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये प्रीवियस रिजल्ट मैं यहाँ मैंशन तो करना ही है। आप ये भी लिख सकते हैं यूजिंग द रिजल्ट विच वॉज प्रूव बिफोर दिस क्वेश्चन, या स्टेप वन स्टेप टू करके ऐसे करके बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है। करिए, ये प्रूफ क्लियर हो गया सबको जिनको? आज आपने खाना सर्व करने का नया तरीका सीखा है, घर जाके ट्राई करोगे? Done? Yes. Yes, sir. Next. भाई बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, सही सुना आपने, बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। देखिए इसके पहले कि मैं कुछ लिखूं, कुछ भी लिखें, यहाँ आपको देखना पड़ेगा सामने आप सब। देखिए देखना थोड़ा मतलब इंसल्ट महसूस नहीं करना है आंसर देने में। हाँ जी, व्हाट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर? आंसर करो ना। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एम आई राइट? ऑनलाइन वाले yes. बोलो भैया। अच्छा तो ये कितना yes. ये कितना आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जरा दोनों चीजें ना ध्यान से देखिएगा, आप लोग मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे, दिस इज अलजेब्रा एंड वी आर इनटू मॉडर्न अलजेब्रा। क्या कह रहे हैं सर, ध्यान से देखिए, आप लोगों ने तो मजाक लगा रखा है, मजाक ही लगेगा जब तक रियलाइज नहीं होगा। ए बी का होल स्क्वायर होता है माय डियर ए बी अलोंग विद ए बी, कायदे से तो ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा दिस इज ए अलोंग विद बी ए बी, अगर रियलाइज कर सकते हैं देख सकते हैं तो देखिए विच इज सेम एज एक्सपीरियंस सेज इट ऑल। मेरी क्लास से पढ़े भी ना तो जा नहीं पाओगे, चाहे जो समझो आ जाओ। ऑल ऑफ यू यहाँ से है नथिंग, यहाँ से हमें चलाओ एसोसिएटिव लो जी, यहाँ से और भाई साहब भाई साहब भाई साहब फिर एसोसिएटिव, अरे कहाँ घूम रहे हैं यार ऑल ऑफ यू जी। ये यहाँ कुछ चक्कर नहीं लग रहा आपको? क्या कह रहा हूँ मैं बार बार, नथिंग कम्स फॉर फ्री, नथिंग कम्स फॉर फ्री, यू आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। देखिए जागी जागी जागी, यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको इसको क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब रास्ता, ये रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ तो आना पड़ेगा। आप इसको ऐसा कब लिख सकते हैं? हमेशा लिख सकते हैं सर, कुछ बोल भी दो यार। ये तब होगा ना जब हाँ एटलीस्ट ए बी बी ए के बराबर, अभिलन ना भी हो मान लो, सिर्फ ए बी बी ए के बराबर हो तब, अभिलन तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, मतलब ए और बी को कम्यूट जब तक नहीं कराएंगे तब तक ये स्टेप हो ही नहीं सकता। अब आते हैं आपके प्यारे प्यारे ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए, आइए अलॉन्ग विद ए प्लस बी। हाँ यहाँ भी देख लेते हैं, ए ए ए बी बी ए बी बी, थैंक यू वेरी मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। जागो माय डियर, ये क्या हो गया आज क्लास में? हाँ तो बैंड बच गया, धन्यवाद रियलाइज करने के लिए। हाँ जी स्टेप समझ में आया आप लोगों को? इतना इम्पोर्टेंट इशू है अभिलिन ग्रुप का, ये सब नहीं होता है, ये जो पढ़ा है ना आपने सब सर गलत पढ़ा है सर हमने, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ गलत पढ़ा है आपने। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए प्लस बी होल क्यूब उसमें भी यही चक्कर होगा, ए बी का होल पावर थ्री उसमें भी यही चक्कर होगा, लेकिन स्कूल में तो ऐसे लिख देते थे, स्कूल में यू आर यूजिंग सम अदर पेन, अभी कोई और पेन है, वो वाला पेन तो खत्म हो गया,
अरे कारण सुनिए, ये आप तभी लिख सकते हैं जब आपका ग्रुप अभिलयन होगा। इन योर स्कूल यू हैड नंबर्स। अब आप बताइए ये अभिलयन होगा, डेफिनेटली होगा, अभिलयन होगा या नहीं होगा ऐसे ही बता दो। अच्छा चलो, 2 × 3, 3 × 2 के बराबर है या नहीं है पता नहीं है सर। ग्रुप थ्री पढ़ के बच्चा ऐसी बात करता है, पता नहीं सर। ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं या नहीं है, तो फिर ये ग्रुप अभिलयन है। ये आप यही समझ लीजिए, ये इनके अंडर, इन्हीं के अंडर हो रहा होगा। और होगा क्या, वो तो होते रियल नंबर है वहाँ, जो भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे स्कूल में। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि ये नहीं होता, ये कहाँ होता है, जहाँ आपका अभिलयन हो या ABBA के बराबर हो। तो अब आप इसकी रिस्पेक्ट करेंगे जो आने वाला है। Yes, all of you. भाई ये क्या लिखा हुआ है? What is this? What is this? If and only if का मतलब इधर से इधर और इधर से इधर, और ये तो हो गए बराबर। बराबर होंगे तो this will work, this will serve as a definition of abelian group in future. Abelian group का definition की तरह काम करेगा। पहले इसका forward part और इसका converse part करते हैं। Forward पे ही proof हो रहा है भाई। Forward में आपने let किया g is abelian, तो मैं तो आपको दिखा ही चुका हूँ कि स्क्वायर कैसे ओपन होगा। आप भी बस थोड़ा तरीके से काम कर लीजिए हमारे साथ। लिखने के चक्कर में मत रहिए, ये कोई पुराना सब्जेक्ट नहीं है जो आपने जिसमें झंडे गाड़े हुए हैं। यहाँ सारे तंबू उखड़ जाएंगे अगर आप ठीक से नहीं करेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा है। हाँ जी, ABA, कैन आई राइट BA एज AB? यस आई कैन, यस दैट इज AA BB A² B² तुम्हारी जान लिए बिना तो छोड़ेंगे नहीं। रीजंस 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 ही तो जान लेते हैं बच्चे की। हाँ जी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, विच लॉ एसोसिएटिव लॉ? यहाँ से यहाँ अबिलियन, जी इज अबिलियन। हाँ जी, अगेन एसोसिएटिव। बच्चा ये भी याद कर लेगा, ये भी याद कर लेगा, एग्जाम में ऊपर नीचे हो गया। फिर तो पता ही है क्या होना है। चलिए नेक्स्ट थिंग, ये था आपका फॉरवर्ड पार्ट। अब आइए जरा कन्वर्स पार्ट पे आते हैं। हाँ जी, कन्वर्स में क्या लेट करेंगे? कन्वर्स में सपोज, देखते जाओ देखते जाओ, AB का होल स्क्वायर इज A² B² फॉर ऑल AB बिलोंग्स बी। अब यहाँ से अभिलयन कैसे आएगा सर? अरे भाई भाई, यहाँ सब आएगा तो भाई, AB का होल स्क्वायर क्या होता है? ना ना ना, प्लीज डोंट से A² B² ऐसे नहीं। कैसे? ऐसे 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 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? AABB। एसोसिएटिव लॉ लगाइए और देखिए क्या किया आपने क्लास में। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस दी जाती हैं, कुछ याद तो आ ही रहा होगा। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से क्या कैंसिल होगा? ए लेफ्ट कैंसिलेशन। राइट से क्या कैंसिल होगा? थैंक यू वेरी मच। फॉर ऑल तो चल ही रहे हैं जी। ये किसके लक्षण हैं? जी इज अबेलियन। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आओ जरा यहाँ से यहाँ, नथिंग, यहाँ से यहाँ पे चलो। हाँ जी, अबेलियन कहाँ से आकर, रुक जाओ, तुम डांट सुनोगे। कैंसिलेशन लॉस। भाई क्लियर हो गया आप लोगों को? सब समझ में आ गया? ये तो लिखना पड़ेगा भाई, सपने चलेंगे। सपोज सपोज, कन्वर्सली सपोज, यहाँ इधर पहले प्रूफ लिख लीजिएगा, है ना? यहाँ प्रूफ लिखना है, प्रूफ या सॉल्यूशन, फॉरवर्ड पार्ट, कन्वर्स। तरीके से दिए आपको प्रेजेंट करना चाहिए चीज़ों को।
हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग भी कॉपी कर रहे हैं समझ समझ के? भाई ये इसके चांसेस है एग्ज़ाम में आने के, ये जो रिजल्ट आपके सामने लिखा है, इसके पहले वाले दोनों भी हिस्टोरिक हैं, ये भी हिस्टोरिक है। अब ऐसे एक रिजल्ट और आने वाला है, लिख लीजिए ढंग से लिख लीजिए, ये जल्दबाजी का काम नहीं है, आपको घर बैठ के बहुत ध्यान से करना है सब कुछ, याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, लॉजिक लगाएं। अगर किसी स्टेप में आप रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो आपको प्रूफ देख लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ उस स्टेप के लिए, यानी कि उसके बाद वाला सारा प्रूफ, फ्रीनेस ले लिया आपने, लिबर्टी ले ली कि हाँ कोई देख नहीं रहा, चलो मैं पूरा प्रूफ ही देख लेता हूँ। रेडी फॉर नेक्स्ट? कोई जल्दी नहीं है, पूरा इसको लिख लीजिए, लेकिन ये इतना रिस्पेक्टेड रिजल्ट है, लिख लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया, जब हो जाएगा तो बता दीजिएगा। ऑफलाइन वालों का तो हो गया, ऑनलाइन आस्था, हर्षिता, सक्षम, नेक्स्ट रिजल्ट। Probably the last। आप दिन कुछ शांति पड़ी। आज हमने ए बी का होल इनवर्स किया, वही करा देते, चलो कोई बात। क्या होता है? एकदम से रिएक्ट रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले देखिए क्या लिखा है। हम सबको पता है ए बी का होल इनवर्स होना चाहिए था, बी इनवर्स ए इनवर्स, खूब अच्छे से प्रूफ भी करवाएं कि क्या लिखा है भाई। अभिलन के केस में आप ये लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं, चलिए ट्राई कीजिए। मतलब देखो भाई, फॉरवर्ड पार्ट, कन्वर्स पार्ट बड़े आराम से हो जाएगा। एवरीवन पहले फॉरवर्ड पार्ट देखेंगे आप सभी लोग। सपोज जी इज अ बिलियन, नाउ व्हाट इज ए बी का होल इनवर्स, क्या होना चाहिए था? शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी, बट ग्रुप तो अबिलियन है, तो ये ग्रुप का एक मेंबर है, ये ग्रुप का दूसरा मेंबर है, क्या आपस में कम्यूट नहीं करेंगे? डेफिनेटली दे विल, सबको समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी, यहाँ से यहाँ अबिलियन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ये फॉरवर्ड पार्ट था, कन्वर्स आप सबको चाहिए कि सामने देखें, सामने ही देखने से फायदा होगा आपको, इधर उधर ध्यान ना लगाओ। कन्वर्सली सपोज भाई ये वाला स्टेप देखिए, ए बी का होल इनवर्स जो है वो हो गया आपका ए इनवर्स बी इनवर्स, वहां से बिलियन कैसे आएगा? मैं ट्राई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, दिस इम्प्लाइज एक बार और इनवर्स ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ए बी तो चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस डबल इनवर्स, डबल इनवर्स एलिमेंट, खुद एलिमेंट ही है, दिस इम्प्लाइज ए बी। यहाँ शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी लगाई जाए और खुश हुआ जाए, समझ गए मेरी बात? शूज
सॉक्स प्रॉपर्टी। अरे भैया लॉजिक लगाओ यार, लेकिन खाली नॉवल ही थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे हम थ्रू आउट द लाइफ। आइए बताइए क्या मिला है। वो क्या है, ये किसके लक्षण है? अच्छे से एक एक स्टेप देख लीजिएगा, बहुत केयरफुली केयरफुली। यस प्लीज राइट इट डाउन। मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ने में आपका लॉजिक कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे आपको 1000 थ्योरम्स करनी है अलग अलग सब्जेक्ट्स में लाकर, शायद शायद उससे भी ज़्यादा। लॉजिक होगा तो आप आराम से कर लेंगे, लॉजिक नहीं होगा तो वही सब बोलेंगे जो लोग बोलते हैं, बहुत बेकार मैथमेटिक्स है, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक से जब किया ही नहीं होगा तो यही बोला जाएगा ना। अभी आप वही हैं, पूरा लिख लिया होगा ना आपने, खाली वही नहीं समझ में आया था या अभी शुरू किए हैं? अभी तो हार्ट अटैक ही हो जाता। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट रेडी फॉर नेक्स्ट। चलिए आइए, ठीक है आगे देखिए कितने रिजल्ट्स हो गए अभिलन ग्रुप के, 3 4 5 4 4 4। मैंने तो पिछले वाले को लास्ट बोला था, अब ऐसे ही तुम्हारा दिल दिल बहलाने के लिए बोल दिया। चलो आगे हाँ जी करिए जरा, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है, रियली डेंजरस डेंजरस। आप लोग ज़रा सामने देखेंगे, एवरीवन छोड़िए सब, लीव अपार्ट एवरीथिंग। देखो भाई यहाँ सबसे कमाल की चीज़ क्या है, वो ये है यस इंटीजर, ये है सबसे कमाल की चीज़। ध्यान दीजिए मैं प्रूफ भी करा दूँगा, जीरो में क्या करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, जेड प्लस है मान लीजिए, जेड प्लस Z प्लस में तो थर्ड पावर होगा सेकंड पावर होगा तो वैसे ही ऑप्टेन हो जाएगा जैसे थोड़ी देर पहले किया हो जाएगा, लेकिन Z माइनस में क्या होगा भाई, ये कैसे करेंगे? पहले ये शौक है बच्चे के लिए, ये कैसे निकालेंगे? ए बी का स्क्वायर तो फिर भी ए बी लिख के हो जाएगा, एम आई राइट? ये फिर भी 3 बार ए बी लिख के हो जाएगा, बट ये कैसे निकालेंगे? ओके हाँ वेट फॉर अ सेकेंड, जीरो पावर यस, ए बी का पावर जीरो, ए जीरो बी जीरो, वॉट इज ए बी पावर, ओके वॉट इज ए पावर जीरो? यस ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ी आप भी ज्ञान की वर्षा, ठीक है भाई गुड। आज की क्लास से पहले बहुत कुछ होता था लेकिन आज की क्लास के बाद बहुत कुछ नहीं होगा, आज की क्लास से पहले ये होता था कि अब होगा, आज की क्लास के पहले ये भी मुफ्त में ही बढ़ रहा था क्या अब होगा? तो एक नहीं, तो एक चीज और समझ रही थी, ग्रुप थ्योरी है मॉडर्न अलजेब्रा, इसको हल्के में ना ले। एनीथिंग रेज टू पावर जीरो प्लीज,
एनीथिंग ऑब्वियसली मैं इसकी बात नहीं, अब रामानुजन मत बन जाइएगा, इसकी बात नहीं कर रहे हैं वो अभी, 0 पावर 0 तो किनारे किनारे रखिए। एनीथिंग ए अगर जी में है तो ए रेस्ट पावर 0, बी रेस्ट एनीथिंग रेस्ट पावर 0, अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसको टेकन टू बी आइडेंटिटी याद कर लो, 1 और 2 भूल जाओ, 0 भी भूल जाओ। एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 आइडेंटिटी लिया जाता है अलजेब्रा में, मॉडल अलजेब्रा में। सर स्कूल, हाँ हाँ मेरे को पता है, स्कूल की यादें आपके अंदर बहुत गहराई तक जुड़ी हुई हैं, आइए आपके स्कूल चलें। यही है 2 पावर 0, अरे भाई 2 पावर 0 आइडेंटिटी क्या है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? 1 फिर दैट इज वाई 1, ध्यान रखिएगा इसको, 3 पावर 0 दैट इज वाई 1, तो आंसर इज नॉट 1, आंसर इज आइडेंटिटी। एनीथिंग रेस्ट टू पावर, ये बहुत क्लासिक होने वाला है, 5 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का ये जो लिखा है, घर बैठ के एक रफ रफ सा मतलब या रफ पेज में या रफ स्केच सा बना के लेके आइएगा। आपको 3 काम करने हैं, पहला केस एन इज 0, दूसरा केस एन बिलोंग्स टू जेड प्लस में क्या करेंगे, और तीसरा केस एन बिलोंग्स टू जेड माइनस में क्या करेंगे, मतलब आपको सिर्फ ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है। हेलो विल यू ट्राई, देखिए ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि कॉलेज में करा दिया कॉपी पेस्ट करके ले आए या हमें कुछ करने, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें मतलब कुछ नहीं होगा उस, अब देखते ना एक एक रिजल्ट कैसे खोल खोल के दिखाया जाता है, अब पूरा अच्छे से ट्राई करके लेंगे, पूरा नहीं होगा कोई बात नहीं, कुछ स्टेप्स तो करके लेके आओ यार, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए पॉजिटिव में कैसे डील करेंगे, 0 में कैसे डील करेंगे, नेगेटिव में कैसे डील करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू, हाउ वाज द क्लास? चलिए बाय बाय, इसको जो जितना कराएंगे ना उतना करो, ये इस पे मत जाइए कि 1 घंटा क्लास हुई या 1.5 घंटा क्लास हुई, दिस इज न्यू एंड यही मकान की नींव अगर मजबूत नहीं हुई सब गड़बड़ हो जाएगी, नींव बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स और पॉलीनोमियल्स अलग चीज़ थी, वो फिर भी 12th से एसोसिएटेड था, ये तो बिल्कुल ही अलग, यहाँ तो आज उल्टा ही काम हो गया, जो पढ़ा है वही उल्टा नज़र आ रहा है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।